हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज बीटीएससी फिल्म चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी अल्टरनेट करंट दे इसनूं दो वीडियो विच पार्ट बनाया गया है। इहदे वीडियो पार्ट 1 दे विच असीं वन शॉट एमसीक्यू फॉर्मूला बेस रिवीजन लेके आए हैं। पंजाब स्टेट बोर्ड दे दिसंबर टेस्ट वास्ते जां सीबीएसई दे बच्चे भी देख सकते ने, नीट वाले भी देख सकते ने, इहनूं जेईई मेन भी देख सकते ने। बिल्कुल बेसिक कंसैप्ट अज फॉर्मूला लिखांगे, चैप्टर डिटेल डिस्कशन करनी तो मुश्किल है, लेकिन जिन्ना कि हो सके उन्ना असं करांगे ते फॉर्मूला एक्सप्लेन करांगे। फॉर्मूला बेस्ड असं एमसीक्यू किवें करने ने, जिहड़े कि असं सिंपलेस्ट नॉलेज बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम विच आ सकते ने जां आंदे ने, कंपीटीशन दे विच भी आ सकते ने, उहनूं किवें करना है। पहले पार्ट वन वीडियो दे विच असीं तुहानूं रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ए सी, मीन वैल्यू ऑफ ए सी, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द केस ऑफ रजिस्टर, फिर इंडक्टर ते कैपेसिटर दी गल करन जा रहे हैं। पार्ट टू दे विच असी एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर, सेकंड पार्ट ऑफ एसी डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। वेलकम टू द क्लास अगेन। तुसी फॉर्मूला देखो पहला, जिहड़ा एसी अल्टरनेटिंग करंट की हुंदा है, जिस दी वैल्यू लगातार टाइम दे नाल वेरी करदी है, ते ठीक है टाइम दे नाल वेरी करदी है, तो इस तुसी इस तरह लिखा देखा हुंदा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एसी जो अपने घर एसी करंट एसी वोल्टेज आती है 220 वोल्ट ते 50 हर्ट्ज होंगे, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होंगे वन ओवर टाइम पीरियड, 50 साइकिल पर सैकेंड जो है ये यूनिट असी हर्ट्स भी ले लें। इस तरह तुम नॉर्मली अपनी जो थ्यूरी पढ़ोंगे एनसीईआरटी के किसी भी टैक्सट बुक के, तुम इस तरह लिखा मिलेगा जो करंट है तो वोल्टेज है, चाहे वोल्टेज वी ना लिख लो, ई एम एफ ई ना लिख लो, कि किताबों ई लिखा होगा कि वी लिखा होगा, ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਬੋਥ ਆਰ ਵਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਕਰੰਟ ਆਈ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਮੈਗਾ ਟੀ, ਵੀ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਮੈਗਾ ਟੀ ਜਾਂ ਈ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਮੈਗਾ ਟੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨੋਸੋਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨੋਟ ਕੋਸ ਮੈਗਾ ਟੀ, ਵੀ ਨੋਟ ਕੋਸ ਮੈਗਾ ਟੀ, ਈ ਨੋਟ ਕੋਸ ਮੈਗਾ ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਸ ਦੋਨੋਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, तो दोनों तरीके नाल असीं इहनूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई का मतलब है, आई नोट का मतलब है पीक वैल्यू ऑफ करंट, आ देखो मैक्सिमम वैल्यू, पहले वैल्यू लगातार बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर डिटेक्शन बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है। इस तरीके नाल पीक वैल्यू करंट की, वोल्टेज की, ठीक है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, वोल्ट कह लो, ई एम एफ कह लो, आ जो रिजल्ट आप डायरेक्ट याद करने हैं। जो ए सी सर्कल है, ए सी सर्किट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 2 I₀ ਓਵਰ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮ ਵੈਲਿਊ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3.14, 2 ਓਵਰ 3.14 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.637 ਆ ਜਾਏਗਾ, कहना मतलब 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 64%। अगर सर्कट न्यूमेरिकल दे विच पीक वैल्यू 100 एम्पीयर दिती होवे तो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी 63.7 एम्पीयर, जे मैक्सिमम वैल्यू 10 एम्पीयर दिती होवे तो मीन वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.37। सिमिलरली जो रिलेशन करंट ना लगेगा वही वोल्टेज ना लगेगा, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज कितना लिखेंगे Vm, EM ने लिख सकते हैं 2 V₀ ओवर I₀ V₀ ओवर सॉरी पाई। V₀ की है साढ़े को पीक वैल्यू, तो 2 ओवर 3.14 में फिर डिवाइड किया, सेम रिजल्ट, जो रिलेशन करंट का है वही वोल्टेज का है अपनी पीक वैल्यू ना। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जी, असं ये चेक करते हैं ना मीन वैल्यू कढ़ते हैं, आ देखो पॉजिटिव हाफ है, ये साडा नैगेटिव हाफ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी वैल्यू जी पीक वैल्यू मीन वैल्यू है इतने तक पॉजिटिव आती है, सैकेंड हाफ के पीक वैल्यू सॉरी मीन वैल्यू है वो नैगेटिव निकलती है, अगर असी डेरीवेशन करवाई है इसकी, है ना। हूँ आप डेरीवेशन तो करा नहीं सकते क्योंकि एमसीक्यू बेस पेपर है, आप रिजल्ट याद कर सकते हैं। मीन वैल्यू जी है पॉजिटिव हाफ वास्ते पॉजिटिव, नैगेटिव हाफ वास्ते नैगेटिव, ठीक है। तो पूरे साइकिल वास्ते कितनी हो जाएगी, जिन्नी उपर पॉजिटिव उन्नी नैगेटिव, तो नैट कितनी होगी 0। ये रिजल्ट याद रखना है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एसी करंट की एक कंप्लीट साइकिल ते 0 होती है। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट स्लाइड ते अपन नेक्स्ट रिजल्ट देख रहे हैं।
उसे देख रहे हो बच्चों। दोबारा फिर बेटे आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन अपना। देखो तो असी तुम्हें एक रिजल्ट दिखाता है, उस तो बाद नैक्सट रिजल्ट। इस तरीके असी अगला रिजल्ट लै सकते हैं। दूजी वैल्यू होंगी है रूट मीन स्केयर वैल्यू। रूट मीन स्केयर वैल्यू नूं वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ एसी करंट तो एसी वोल्टेज वी आर एम एस या आई आर एम एस। ये आई नोट ओवर अंडर टू होंगे, वी नोट ओवर अंडर टू होंगे। अंडर टू की वैल्यू 1.414 होंगी है। जो तो इस 1.414 ने डिवाइड करा साढ़े को 0.707 आ जाएगा। यदा मतलब है जो रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ करंट है अपनी पीक वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 70.7 तो अप्रोक्सीमेटली कई बार ऑप्शन 71% भी हो सकता है। क्वेश्चन एमसीक्यू जी 71% ना भी पूछी जा सकती है। एग्जैक्ट वैल्यू जी 70.7 है। जो हम एसी एमीटर्स होंगे ने जिदा डीसी वोल्टमीटर डीसी एमीटर से अपनी लैब देखते हैं जो ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे ही एसी एमीटर्स ते एसी वोल्टमीटर भी होंगे ने वह हमेशा किहड़ी वैल्यू नोट करते हैं रूट मीन स्केयर वैल्यू करंट की वोल्टेज की। ठीक है मीन वैल्यू नोट नहीं करते हैं। एक गुड क्वेश्चन है इसको याद करना चाहिए अपन। नैक्सट है फ्रीकुएंसी एसी की की होंगी है 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकल्स पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीकुएंसी होंगी उन्होंने 2π ν लिखते हाँ वो साढ़े को 2π × 50 हो जाएगी। हूँ अगला क्वेश्चन आ गया कि फेजर की होंगे। फेजर एक रोटेटिंग वैक्टर होंगे जिसकी लेंथ प्रपोर्शनल टू जो करंट का ग्राफ प्लॉट करंट प्लॉट कर रहे हैं सर्किट का करंट प्रपोर्शनल हो जाएगी। जो ई एम एफ प्लॉट कर रहे हैं तो ई एम एफ के बराबर हो जाएगी। तो लेट अस सी फेजर डायग्राम। अगर असी एक प्योर ओमिक सर्किट लीए मैं इतने डायग्राम बनाना है ये असी मैं की लिता है प्योर ओम प्योर एक रजिस्टेंस कॉयल लीती है उसनों असी एसी लगाया है। एसी सोर्स किधर रिप्रजेंट है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन मेगा टी। जो तो इसमें डिस्कस करते हैं रिलेशन निकालते हैं ई एम एफ तो स्टार्ट करते हैं करंट निकालते हैं असी देखते हैं कि असी एक फेजर डायग्राम बनाने की बनाने फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो एक्स वाई बना लिया। पहला सब तो पहला ई एम एफ प्लॉट कर लो बड़े एरो दे नाल ई एम एफ प्लॉट करो। जिहड़ा ये रिजल्ट है प्योर ओमिक सर्किट याद रखना इस करंट अते वोल्टेज सेम डायरेक्शन च हुंदे ने। बड़ा एरो ई एम एफ वास्ते है छोटा एरो करंट वास्ते है दोनों सेम डायरेक्शन ओमेगा टी एंगल ना देखो। इहदा मतलब इहदा रिजल्ट है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट नूं असीं रिप्रेजेंट करांगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। इत्थे भी ओमेगा टी इत्थे भी ओमेगा टी इहनां दे एंगल च कोई फर्क नहीं है करंट ते वोल्टेज सेम डायरेक्शन विच फ्लो करदे हन जदों असीं प्योर ओमिक सर्किट नूं एसी सोर्स लगांदे हां। तो फेज डिफरेंस इज जीरो फेज डिफरेंस जिहड़ा है वह जीरो है। इत्थे आपां ई नोट भी लिख सकते हैं ई भी लिख सकते हैं। जे इत्थे ई नोट लिखांगे इत्थे आई नोट लिखांगे जां तां आपां दोनों ही पीक वैल्यूज लवांगे करंट ते वोल्टेज दीआं एरो द्वारा जां दोनों ही आपां इंस्टेंटेनियस वैल्यू लवांगे ई ते आई। ठीक है नैक्सट अगर असीं एसी सर्किट प्योर इंडक्टर लगाने हैं एक कोयल है आ देखो कोयल है उन्होंने असीं एसी लगाया करंट भेजते हैं उस इंड्यूसिंग सेटअप होएगी उल्टी डायरेक्शन करंट भेजेगी वो मैं बेटे हूँ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा कि अगर इसमें मैं फेजर डायग्राम दिखाना हो तो जो प्योर इंडक्टर एसी अप्लाई करते हाँ वो फ्लो करने वाला करंट से वोल्टेज आपस के कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट करता है एंगल का फर्क है। की फर्क है याद रखना असी प्योर आर डिस्कस कर रहे हैं प्योर एल तो प्योर सी करा प्योर इंडक्टर पैसे तो पहले असी वोल्टेज दिखानी है ई किन्ने एंगल से ई ओमेगा टी। हुण करंट जिहड़ा हुंदा है वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाण दा मतलब की हुंदा क्लॉकवाइज का मतलब पिछे जाना। करंट जिहड़ा है याद रखना है करंट जिहड़ा है करंट आई जिहड़ा है वह लैग करता लैग का मतलब पिछे जाना किस नाल अपनी वोल्टेज ना ई ना कह लो वी ना कह लो बाय एंगल फाई फाई का मतलब फाई एंगल फाई इक्वल टू पाई बाय टू पाई कितना होता है पाई होता 180 डिग्री तो पाई बाय टू कितना हो गया 90 डिग्री। करंट अते वोल्टेज एक दूजे तो 90 डिग्री का फर्क है पर करंट पिछे जा रहा है याद रखना इंडक्टर के केस च करंट जिहड़ा है वो लैग करता है
करंट का पीछे जाना मतलब है तुसी उसनु क्लॉकवाइज दिखाना है और ईएमएफ का एरो बड़ा दिखाना है, करंट का एरो लेंथ विच छोटा दिखाना है क्योंकि आई जरा होंदा है वो ई ओवर आर होंदा है। तो रेजिस्टेंस ने डिवाइड किया कहने का मतलब है करंट की वैल्यू जी वोल्टेज नालों सर्किट विच घट रहेगी। दूसरा इन उल्टा याद करना हो इदा कह सकते हैं कि जरा प्योर इंडक्टर सर्किट होंदा है उहदे विच वोल्टेज जी है वह करंट तो 90 डिग्री अगे जा रही, गल एको ही आ रहा है। एको चीज याद रख लो, जब करंट के उपर फोकस कर लो या वोल्टेज पर फोकस कर लो। असी करंट पर फोकस कर लिया है कि करंट जड़ा है वो 90 डिग्री पिछे जा रहा है। नैक्सट हूँ एक्सएल जड़ा होंगे है इन बोलते हैं इंडक्टिव रैक्टेंस, यदा आंसर है ओमेगा एल। ओमेगा किस बराबर होंगे है 2π ν, ν की होंगी है फ्रीकुएंसी, 2π की कोई डिमेंशन नहीं होंगी, तो फ्रीकुएंसी गुना लेंथ। एल की है इंडक्टेंस, पिछले वीडियो EMI का वीडियो दो पार्ट विच अपलोड किया गया है चैनल के उपर, सुन ध्यान देख सकते हैं, उहदे विच असीं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक्सप्लेन किया है जिसका यूनिट SI यूनिट जिहड़ा है हैनरी हुंदा है। तो डीसी अगर इस इंडक्टर नूं असीं डीसी लगाइए तो सपोज कर लो इंडक्टर है, अगर असीं हुण डीसी सेल लगाने डीसी वोल्टेज लगाने हैं तो उहदा बिहेवियर किदां दा है। डीसी वास्ते फ्रीकुएंसी किन्नी हुंदी है 0, डीसी दा डीसी डेड करंट जिहड़ा है उहदे च फ्रीकुएंसी नहीं हुंदी, उसकी वैल्यू टाइम के नाल चेंज नहीं होंगी। एसी विच फ्रीकुएंसी 50 हर्ट्ज़ होंगी है, फ्रीकुएंसी 0 होने नाल एक्सएल 0 हो गया। एक्सएल का मतलब होंदा है इंडक्टिव रैक्टेंस, इंडक्टिव रैक्टेंस का मतलब होंदा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। एक कंडक्टर विच जो एसी फ्लो करवाने हाँ या डीसी फ्लो करवाने हाँ उन्हें किन्नी रेजिस्टेंस ऑफर की। डीसी फ्लो करवा के देखते हैं तो फिर एक्सएल 0 आएंगे इंडक्टर, अगर असी इंडक्टर नू डीसी लगाने हाँ डीसी लगाई ये सानू कोई रुकावट पेश नहीं करता, आसानी ना करंट नू पास होन दिंदा है। इहनां तो कोयल दे विचों डीसी वोल्टेज डीसी करंट आसानी ना पास हो जाता है। अगर उसे कॉयल नूं असीं जदों एसी लगाने हाँ तो एसी दी फ्रीकुएंसी हुंदी है 50 हर्ट्ज़, तो एक्सएल दी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी 2π × 50L, 100π L दा यूनिट हैनरी भी आ जाएगा। इहदा मतलब एक्सएल दा मतलब है रेजिस्टेंस रुकावट, इहदा मतलब इंडक्टर अपने विचों जदों एसी करंट फ्लो करवाने हाँ तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये गुड क्वेश्चन है, इंडक्टर जिहड़ा हैगा कुछ ना कुछ फाइनाइट कह लो सम रेजिस्टेंस कह लो जो तो भी एसी करंट उस फ्लो करने लगता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। डीसी सर्किट विच इंडक्टर नूं अगर डीसी लगाने हैं तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होंदा। नैक्सट पॉइंट इहदा मतलब है इंडक्टर की करता पिया है डीसी नूं अपने चो आसानी नाल लंघन दिंदा है। इहनूं साइंस दी दुनिया जां फिजिक्स दी दुनिया च की बोलदे ईजी पाथ, ईजी पाथ फॉर डीसी है, डीसी डेड करंट नूं आसानी नाल इंडक्टर जान देगा, इंडक्टर मतलब एल। इहदा मतलब जिहड़ा पर एसी जिहड़ा हैगा वह कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। आ डीसी वाली पॉइंट डिस्कस हो रहे, इधर एसी पॉइंट डिस्कस हो रहे, फिर दोबारा देखते हाँ। एक्सएल जिहड़ा ओम, एक्सएल जिहड़ा इंडक्टिव रैक्टेंस है इहदा एसआई यूनिट है ओम, याद कर लो। लेकिन इंप्रूव भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा कहता सर इंप्रूव करके दिखाओ लेट अस डू समथिंग। 2π छोड़ देने फ्रीकुएंसी गुना लेंथ, फ्रीकुएंसी यूनिट की होंगे है, फ्रीकुएंसी यूनिट होंगे है 1 ओवर टाइम पीरियड, 1 ओवर सैकेंड। तो ये असी कि चैप्टर लिता है EMI, हमने थोड़ी देर पहला असी वीडियो अपलोड किया है EMI का, वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलनेट कराया है, सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना की होंगे E=LdIdt, एल की होंगे E/DiDt, dt अपवर्ड चले जाएगा di नीचे जाएगा, दिस इज EMF, EMF हो गया वोल्ट, करंट टाइम का यूनिट सेकंड, करंट का एम्पीयर, तो वोल्ट गुना सेकंड ओवर एम्पीयर, दोबारा देखो जिते। तो एक्सएल का यूनिट क्या आ गया न्यू एल, एक इधर यूनिट की बन गया वोल्ट ओवर एम्पीयर की होंगे वोल्ट ओवर एम्पीयर ओम, ओम सेकंड, एल का यूनिट हो गया ओम सेकंड, आ देखो इधर यूनिट हो गया ओम सेकंड, फ्रीकुएंसी का हो गया सेकेंड -1, सेकेंड -1 तो सेकेंड कैंसल ओम। तो याद रखना इस वेरी गुड क्वेश्चन,
एक्सएल इंडक्टिव रेजिस्टेंस द एसआई यूनिट की है ओम, तो ये द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सेम एसआई यूनिट है जो रेजिस्टेंस द है। नेक्स्ट, अगर उसे एसी सोर्स नूं असी कैपेसिटर लगा के देखिए फिर साड़ी फेजर डायग्राम किस तरह की बनती है। फेजर डायग्राम वो डायग्राम होंगी है जिदे विच असी करंट ते वोल्टेज नूं प्लॉट करके उन्हां च पैदा होए फेज डिफरेंस दिखाने हैं। तो जिहड़ा प्योर इंडक्ट प्योर आर है, प्योर एल है, प्योर सी है, वो जिस डायग्राम बनाने का तरीका है, सब तो पहले असं ई एम एफ दिखावे बड़े एरो द्वारा ओमेगा टी एंगल से असी करंट देखांगे उस सर्कल करंट अगे जा रहा है कि पिछे आ रहा है। इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री पिछे जाता है, तो कपैसिटर के केस करंट 90 डिग्री अगे रहा है, इनू याद रखना है। वो च करंट लैग करता है, ये च करंट लीड करता है, तो आर के केस करंट के वोल्टेज आर इन सेम डायरेक्शन। रेजिस्टेंस के केस के करंट के वोल्टेज सेम डायरेक्शन, इंडक्टर के केस च करंट लैग, लैग मतलब पिछे जाना। कपैसिटर के केस के प्योर कपैसिटर के केस करंट अगे जा रहा है, अगे जाने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, असी ई एम एफ के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के उपर छोटा एरो बनावे, आ जो करंट है वो आ वाले ई एम एफ तो 90 डिग्री अगे जा रहा है, लीड कर रहा है। असी किसू याद रख रहे हैं इस वेले करंट न, साडा फोकस करंट पर है, करंट लीड्स द ई एम एफ बाय 90 डिग्री, याद रखना 90 मतलब पाई बाय 2। यदा उल्टा की हो गया, वोल्टेज जी है 90 डिग्री पिछे चल रही है, तो असी वोल्टेज याद नहीं करनी, असी एक चीज़ याद कर ली वो उल्टा जरा वोल्टेज पर लगेगा। हूँ जो एक्स सी होंगे इंडक्टिव रैक्टेंस, सॉरी इंडक्टिव कपैसिटेटिव रैक्टेंस, यानी कि बोलने एक्स सी लेट अस सी राइट हेयर कपैसिटेटिव रैक्टेंस, ये यूनिट भी ओम ही है। आर द यूनिट भी ओम है, एक्सएल द यूनिट भी ओम है, एक्स यूनिट भी ओम है, सीधा क्वेश्चन है, इन्हें याद भी किया जा सकता है, प्रूव भी किया जा सकता है। तो एक्स जिहड़ा आंसर आएगा, हुण डेरीवेशन तो नहीं कराई, लोंग डेरीवेशन रिजल्ट है वो असीं लिख रहे हैं, वन ओवर ओमेगा सी। ओमेगा की हुंदा 2π ν, 2π छोड़ता फ्रीकुएंसी इंटू सी, सी की हुंदी है कपैसिटेंस, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चाहिए क्यू इज इक्वल टू सी भी हुंदा है, सी इक्वल टू क्यू ओवर वी हुंदा है, चार्ज ओवर वोल्टेज। तो कपैसिटी यूनिट की होंगे फैरड, 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 वोल्ट, आ लिख लिया, आ फ्रीकुएंसी लिख ली सैकेंड माइनस वन, दोनों असं इस फॉर्मूले पुट करांगे, किस तरह आंसर आ जाएगा एक्स सी का, ध्यान देखो एक्स सी 1 ओवर ओमेगा सी 1 ओवर 2π c, ठीक है, इन असी वैल्यू पुट करते हैं, दोबारा देखो इतने असी वैल्यू पुट करते हैं एक्स सी की रिजल्ट आ रहा है, देखो 1 ओवर सेकेंड माइनस 1, सी का आंसर की है कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो हो सकता है नैक्स असी लिखे हो कितने, हाँ देखो इतने लिखे हुआ नैक्स ही, जस्ट वेट, इतने लिखे कि एक्स सी जोड़ा है यूनिट जो रजिस्टेंस है कि यूनिट यदा भी ओम, एक्स सी 1 ओवर ओमेगा सी हो गया, 1 ओवर ν c रह गया, फ्रीकुएंसी 1 ओवर फ्रीकुएंसी गुना कपैसिटेंस, कपैसिटेंस यूनिट की है कूलम बटा वोल्ट, कूलम बटा वोल्ट, देखो देखो कूलम बटा वोल्ट, तो फ्रीकुएंसी की है सेकेंड माइनस वन, वोल्ट ऊपर चले जाएगा कूलम ओवर सेकेंड, तो करंट की होंगे चार्ज बटा टाइम, चार्ज यूनिट हो गया कूलम, टाइम हो गया सेकेंड, तो 1 एम्पीयर के बराबर होंगे 1 कूलम चार्ज गिवन एरिया ऑफ सेक्शन, 1 सेकेंड जो तो फ्लो करे वो फ्लो करने वाला करंट जो है 1 एम्पीयर होंगे है। तो वोल्ट ओवर 1 एम्पीयर की हो गया 1 ओम, तो यूनिट की हो गए ओम, तो एक्स सी के यूनिट्स की आ रहे हैं ओम, तो एक्स एल की है सी ओम, आर दे की है सी ओम, तो आर दे भी एक्स एल दे भी एक्स सी दे भी सेम ऐसा यूनिट है ओम ओम ओम, इसको अच्छे तरीके ना याद कर लो। वापस आ रहे हैं, जोड़ा एक्स सी है जिन्हों से कपैसिटी डिटेक्टर्स कहने हाँ, वो डीसी विच किद्दा बिहेव करता है तो एसी च किद्दा बिहेव करता है। डीसी वास्ते फ्रीकुएंसी 0 होंगी है, एसी वास्ते 50 हर्ट्ज़ होंगी है, एक्ससी की वैल्यू च जावे ओमेगा की वैल्यू इतने 0 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर 0 मतलब इनफाइनाइट। तो जो कपैसिटर है, आ देखो कपैसिटर है, अगर उसमें एसी सोर्स लगाने हाँ, जो एसी लगाने हाँ
डीसी सॉरी डीसी लगाने हैं, डीसी बैटरी लगाने हैं, जस्ट वेट तो इन एक शॉर्ट समरी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो डीसी लगाई, डीसी वोल्टेज जो असं लगाने हैं वो करंट भेजेगा, कपैसिटर अपने जो करंट डीसी करंट नू नहीं लंघन दिंदा, कपैसिटर ब्लॉक डीसी, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, कपैसिटर ब्लॉक डीसी, कपैसिटर डीसी करंट नू अपने जो लंघन नहीं दिंदा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इतनी रुकावट पैदा करता है कि डीसी करंट उस फ्लो नहीं कर पाता। लेकिन उसे कपैसिटर नू जो असी एसी सोर्स लगाने, देखो एसी सिंबल, दिस सिंबल इज फॉर एसी, एसी सोर्स लिखने का तरीका है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। जो एसी सोर्स लगाने 220 वोल्ट वाला वो 50 वैल्यू आ जाएगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 1/100 सी, सम वैल्यू आएगी, सम वैल्यू मीन कुछ पॉजिटिव वैल्यू, या कपैसिटर जो है जो एसी कपैसिटर लगाया जाता है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर जरूर करता है। यदा मतलब कपैसिटर डीसी नू अपने चो लंघन नहीं दिंदा, एसी नू लंघन दिंदा है। तो एसी वास्ते हो गया इजी पाथ, डीसी वास्ते हो गया ब्लॉक डीसी, कपैसिटर एसी नू ब्लॉक कर दिंदा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीगे जिन्हों असी यूज करके लेट अस ट्राई सम एमसीक्यू। लिखो बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नू करन वास्ते सानू फॉर्मूले दे उपर ग्रिप दी नॉलेज, पहला तो सारी डेरीवेशन याद होनी चाहिए है, डेरीवेशन की कलैरिटी होनी चाहिए, कंसैप्ट की कलैरिटी होनी चाहिए, जी असी उस रिजल्ट भी अच्छी तरीके याद कर समझ के याद कर लवेंगे तो 80-90% क्वेश्चन साढ़े को अटैम्प्ट हो जाते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसैप्ट, अगर आई नॉट पीक वैल्यू ए सी की होवे तो एवरेज वैल्यू कह लो या मीन वैल्यू कितनी होंगी है, इस रिजल्ट याद रखना 2I0/π कि आना है 60.637 इस तरह भी लिख लेंगे। अगर आई नॉट पीक वैल्यू ए सी की होवे तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर द नैगेटिव हाफ साइकिल, मैं पहला समझाया सी मीन वैल्यू जी है पॉजिटिव हाफ विच पॉजिटिव, नैगेटिव हाफ विच नैगेटिव, जिन्नी पॉजिटिव उन्नी नैगेटिव, पूरे साइकिल से पूरे कंप्लीट साइकिल से एवरेज वैल्यू जीरो। देख लो तीन क्वेश्चन है, इक्को क्वेश्चन तीन पार्ट है, आई नॉट अगर पीक वैल्यू दिती हुई है तो उसकी असी मीन वैल्यू पूछी है पॉजिटिव हाफ वास्ते तो प्लस, नैगेटिव हाफ वास्ते आवले वास्ते नैगेटिव, ये वास्ते पॉजिटिव, जो पूरे साइकिल की गल करांगे तो जीरो। नैक्सट इसी तरीके ने असी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ए सी की जी है 220 वोल्ट है, जो पीक वैल्यू दसनी हो आप रिजल्ट याद रखना है, एक मीन वैल्यू वाला रिजल्ट है एक पीक रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, आ रिजल्ट याद रखना है, वी आर एम एस वोल्टेज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट टू, इहदा मतलब इत्थे उल्टा दिता होया कि वी आर एम एस तुहानूं दिता होया है, वी नॉट तुहाडे को पुछया जा रहा है, तो वी नॉट की हो जाएगा इस नूं मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट हो जाएगा अंडर रूट इंटू वी आर एम एस, अंडर रूट टू करना होंदा है 1.414 याद कर लो, अंडर रूट थ्री करना होंदा है 1.732, बस इन्ना ही सानूं लोड पैनी है न्यूमेरिकलां वास्ते। 220 ने मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट साडा ऑप्शन होगा। नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, अगर आरटीडी करंट इस तरह दिता होवे इक्वेशन तो इनू कंपेयर करते हैं अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन की होंगी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इनू की बोलते हैं पीक वैल्यू, इनू की बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसनों की बोलते हैं एंगल, एंगल के दो पार्ट एंगुलर फ्रीकुएंसी इनटू टाइम, ठीक है तो याद करने का तरीका। ये की पूछा गया है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कितनी होंगी है, हाई रिजल्ट है देखो जी, यू इस तरह भी कहने रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू जी होंगी है 0.707 होंगी है, तो 0.707 होगी 1/100 की वैल्यू कि 0.707 इंटू 4 कौन है, आ पीक वैल्यू आई नॉट है, तो आई नॉट 4 है, 0.707 अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ गया 2.83, तो ऑप्शन केड़ी साडी, सो दिस इज अवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन, बिटवीन लिखे है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू, रिलेशन पूछे तुम जो रिलेशन करंट का कर रहे हो, आ देखो उपर वोल्ट आही रिलेशन है, इतने वी आर एम एस है आई आर एम एस लिख दिए, इतने आई नोट आ जाएगा,
IRMS इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर टू, यहाँ देखो IRMS इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर टू, ये रिलेशन ठीक है, बाकी सारे गलत है। सेवन क्वेश्चन, जो जो असी थ्योरी तुम्हें पढ़ाई है वो बेस के उपर ही MCQ बनाने की कोशिश की है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर, रेजिस्टर के केस फेज डिफरेंस जीरो है, याद रख लेना सर, दिस आंसर इज जीरो। जिहड़ा प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में तुम्हें याद करा दिता है, करंट ते वोल्टेज सेम डायरेक्शन, ई ते आई सेम डायरेक्शन, सेम आई लैग, केड़े केस इंडक्टर आई लीड, केड़े केस सी च, याद रखो करंट इंडक्टर विच पिछे जाता है वोल्टेज ना, किन्ने डिग्री ते 90 डिग्री, हाँ देखो पिछे जाना मतलब लैग, लैग्स बिहाइंड, ठीक है, खत्म आंसर। बाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री। इंडक्टिव रिएक्टेंस जी XL है वो मैं हूँ ही तुम्हें कराया, XL की होंगे अपने को ओमेगा L 2 पाई न्यू L, हमने तुम्हें पढ़ाया XL कि वेरी कर रही है फ्रीकुएंसी ना डायरेक्टली, डायरेक्टली रिलेशन कड़ा है ए पार्ट। कैपेसिटर ऑफर्स, कैपेसिटर की ऑफर करता है, हमने ऊपर डिस्कस किया है, कैपेसिटर ब्लॉक DC, एक कैपेसिटर DC नु ब्लॉक करता है तो AC नु अपने चो लंघन देता है, तो कैपेसिटर ईजी पाथ देता है AC नु ब्लॉक करता है DC नु, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, चाहे आई ते वी पूछ लिए, चाहे वो पेपर च IRMS ते VRMS पूछ सकता है, आई नॉट ते वी नॉट पूछ सकता है, इक्को ही गल, आई नॉट वी नॉट IRMS VRMS आई ते वी जगह ते ई भी लिख सकते हैं सिंबल, EMF तक की किताबों च ई लिखा है, NCERT च कई बार वी लिखा होंदा, कई टेक्सट बुक वी यूज कर लेंगे। तो फेज डिफरेंस कितना है करंट ते वोल्टेज, जे च कैपेसिटर च 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री अगे जा रहा है, किन्ना एंगल ते जा रहा है 90 ते। अगला क्वेश्चन, जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है वो फ्रीकुएंसी ने किस तरह वेरी करती है, देखो XC कि वेरी करती है 1/ωC 1/2πν C, तो रिलेशन कि नजर आ रहा है इनवर्सली, इनवर्स रिलेशन आ गया। अगे आ गया इंडक्टर, इंडक्टर की करता है ओफर ईजी पाथ टू DC बट ब्लॉक AC, इंडक्टर जो है DC लंघन देता है पर उल्टा AC नूं लंघन दिंदा, जिहड़ा कैपेसिटर है ओह DC नूं ब्लॉक करदा AC नूं लंघन दिंदा, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, कंडक्टर मतलब हुंदा आसानी नाल करंट लंघन देना, घट रेजिस्टेंस ऑफर करना, तो कैपेसिटर बिहेव कर सकदा कंडक्टर अगर फ्रीकुएंसी जिहड़ी है वह वैरी लो होवे, की होवे वैरी लो, इहदा वी तुहानूं असीं आंसर दिंदे हां किद्दां, XC 1/2πν, जिन्नी फ्रीकुएंसी कट होएगी उन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी, ठीक है, वेरी हाई फ्रीकुएंसी। एक मिनट बेटे दोबारा देखिए आप क्वेश्चन की है, कैपेसिटर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होंगे रेजिस्टेंस घट होना, घट होने वास्ते बेटे गलत हो गया अपना ऑप्शन, फ्रीकुएंसी जिन्नी हाई होएगी न्यू जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी XC कटेगी, न्यू इनक्रीजिज फ्रीकुएंसी डिक्रीजिज, सॉरी XC डिक्रीज मतलब किन्नी रुकावट घट गई, जिन्नी रुकावट घट गई उन्ना करंट आसानी ने फ्लो कर गया, तो ये वास्ते आप वेरी हाई फ्रीकुएंसी आएगा। XL है द यूनिट्स ऑफ, ये मैं पहले ही दसता पुछने लोड़ नहीं, XL ते XC ते R दे यूनिट की है रेजिस्टेंस, XL ते XC दोनों का ऐसा यूनिट की है ओम, अगर फ्रीकुएंसी AC की इनक्रीज की जाए तो XL की होगा, XL होंगे 2πν L, डायरेक्ट एक्सेलरेशन की है फ्रीकुएंसी ना डायरेक्टली, जो फ्रीकुएंसी वधी XL वधिया, पर जो XC है वह फ्रीकुएंसी ना इनवर्सली है, जो फ्रीकुएंसी वधाती तो XC कट जाएगा, अगर फ्रीकुएंसी डबल करती तो XC की हो जाएगा हाफ। इस तरह क्वेश्चन जरा एग्जामिनर है टीचर है किसी भी कंपटीशन एग्जाम रेगुलर एग्जाम इस तरह बना सकता है। नेक्स्ट अक्स ग्राफ की गल करिए, आप देखो XL फ्रीकुएंसी ना डायरेक्टली रिलेशन है तो ग्राफ की होएगा स्टेट लाइन, XL कितने प्लॉट किया गया है Y-axis से, तो X-axis से कौन प्लॉट है फ्रीकुएंसी, अगर असी XC ते फ्रीकुएंसी दे चकार प्लॉट करिए कैपेसिटर दे केस तो XC की होंगी 1/ωC,
तो रिलेशन की है और फ्रीक्वेंसी ना इनवर्सली, एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, ग्राफ विल बी ऑफ दिस नेचर। तो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं तुहानू ये असीं तुहानू थोड़ा जिहा क्वेश्चन शॉर्ट किया है, पार्ट वन किया है लैक्चर का, जिहदे विच असीं की किया है तुहानू पार्ट वन वीडियो दे विच असीं तुहानू पांच मेन टॉपिक्स लिते ने, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ ए सी, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ ए सी, प्योर ओमिक सर्किट, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। इन्हां च का असीं तुहानू फेज डिफरेंस डिस्कस किया है करंट का, ये दोनों असीं आपस रिलेशन करवाया है। तो नैक्सट वीडियो पार्ट टू के अंदर असीं तुहानू ए सी के बाकी बचे पोर्शन ना डिस्कस कर जा रहे हैं। उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा। ए वाले लैक्चर देख के, वन शॉट वीडियो देख के तुसीं अपनी एनसीईआरटी की बुक के विचों जां कोई रैफरेंस टैक्सट बुक के विचों होर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करांगे तुहानू समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।